काबर पिता का नाम रोशन शर्मा, रोशन लाल शर्मा। दिल्ली, दिल्ली कब गया, क्या करता था? ये रिक्शा चलाता था, यहाँ 2-3 दिन हुए गए हुए उसको। किसी के साथ में गया था? अब ये इसके पापा अभी आएंगे तो बता देंगे। इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी कि नहीं? नहीं, रिश्तेदार वगैरह भी रहते हैं तो वहीं गया होगा। दिल्ली में रिश्तेदार रहते हैं? जब वो आएंगे पापा उनके तो बताएंगे क्या है, क्या करते हैं। हम लोग अलग अलग रहते हैं ना, साथ में थोड़ी नहीं रहते। ये रिक्शा चलाता था। यहाँ परिवार में कौन कौन है? परिवार में कौन कौन है? यही 4 लोग हैं, भाई बहन माता पिता। 22 साल पहले ऐसा हुआ था और आज देखिए फिर घर की वैसी परिस्थितियाँ खराब हैं, करेगा क्या? वो बड़े संसद में इसे नॉर्मल क्या इसके बारे में कभी बोला है कि कुछ नहीं पता? कोई कभी कुछ हुआ नहीं है, कभी कोई बता नहीं सकता ऐसा कभी कुछ होता। सागर जी, रोशन, मैं मामा हूँ प्रदीप शर्मा नाम मेरा। मुझे नहीं लगता है। लड़का सीधा है, लड़का सीधा है तो क्या? लड़का सीधा है जो बात है, हम लोग भी यहीं रहते हैं लेकिन लड़का सीधा है। कितने साल से रह रहा है? बचपन से रह रहा है? नहीं, बचपन नहीं तो कम से कम नहीं तो 10-12 साल से तो रह ही रहा है। किराए पे रहते हैं। कौन कौन रहते परिवार में? परिवार में इनकी माँ है, बाप है, एक बहन है, एक वो है। फिर सूरत चला गया था काम करने। ऐसा तो नहीं पैसे की लालच में वहाँ गया हो किसी? नहीं तो इन्होंने यही रिक्शा लिया था, फिर ये रिक्शा उन्होंने बेच दिया। ये बेचने के बाद फिर ये बाहर चला गया, बाहर जाने के बाद फिर आ गया। उसके बाद तो नहीं मालूम है कि यहाँ 2-4 दिन से हमने भी देखा था उसको बीच में। बस आपका नाम क्या है? मेरा वरुण बरुआ, वरुण बरुआ। हम लोग यहीं रहते हैं, बचपन से यहीं पले हैं। हम लोग यहीं पे पैदा ही हुए हैं। एक आपका क्या नाम है? मेरा वरुण बरुआ बोल तो दिया मैंने। आप कौन है रिश्तेदार में? रिश्तेदार नहीं, हम तो मोहल्ले के हैं और क्या। मेरा नाम राजीव है, ये बगल में पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा, लड़का क्या है, कैसे गया दिल्ली? एक नॉर्मल लड़का, मतलब हम लोग ज्यादा वैसे इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बस यहाँ दूध लेने आना हुआ करता था तो देखते थे, लेकिन ऐसा लगे नहीं स्वरूप की कुछ ऐसा होगा। और मेरे पास भी फोन भी आया, पता लगा तो मैंने भी यही कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, वो लड़का इस लेवल पे था नहीं और सोचा भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। बाकी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कितनी उम्र है, क्या हुआ? मेरे ख्याल से 18 से कुछ काम क्या है। वो ऑटो चलाता था। घर में कौन कौन है? घर में इनके माता पिता हैं और वही ये बड़ा भाई है, छोटी बहन है। परिस्थिति अच्छी नहीं घर की, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ रहा हो। कुछ दिन मेरे ख्याल से शायद बाहर भी रहने चला गया था, जाता रहता था। आई डोंट नो, इतना कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन मुझे अभी पता लगा तो मैं यहाँ पे आकर के कोई चीज देखी। लेकिन मुझे दिमाग से ऐसा लगता है कि ऐसा लड़का था नहीं, जिस हिसाब से इतना बड़ा वो हो गया, बट कहीं ना कहीं कोई शायद किसी ने बरगलाया हो, कुछ किया हो। तुम कब बड़े होगे, कुछ करोगे, तब आओगे। जो दूसरा लड़का है वो जानते हैं इसको? तो अभी आया है घर पे? नहीं, हम जानते हैं। उधर रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते। लड़का वो अलग रहता है, नहीं बता रही है। बताइए अपने मम्मी पापा, बताइए। अलग है ना, यहाँ क्या काम करता है? यहाँ चला रहा है। अच्छा, घर में और कौन कौन है? वही 4 लोग हैं। अच्छा, मम्मी पापा किराए पे, हम लोग भी किराए पे। घर की खराब है, मतलब गरीब हम लोग आते हैं। कोई यहाँ से ले यहाँ कोई ले आया है? यहाँ से कोई ले यहाँ कोई ले। पता नहीं, हमको नहीं मालूम।